नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस बस रुको, छुट्टा अंदर देता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी टांग संभाल के। हाँ संभाल के। अरे टांग मेरी। कमाल है साला, लंगड़े के माफी गया और घोड़े की तरह चल दिया। ए भाई ए, छुट्टा तो दो। अरे कहां छुट्टे के चक्कर में झोपड़े वालों को इस महल में पहुंचा दिया। चक्कर क्या है बड़ो? तुम क्या कीमत लोगे? अरे मीटर में जो गिरेला है वो ही लूंगा। अबे बेदिमाग आदमी, मैं मीटर की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं। ए साहब, कहीं तुम घर बुलाकर मेरी टैक्सी की कीमत तो नहीं लगा रहे हो? मैं पिंकी के बारे में पूछ रहा हूं। पिंकी? ओ ओ ओ, आप समझा? मैं पानी के जिन सांपों और नागों से लड़ता आया हूं, आप उस तालाब के मगरमच्छ हैं। थोड़ी देर लगी मीटर डाउन होने में। मगरमच्छ और तालाब की छोटी मोटी मछलियों को मगरमच्छ के दांतों से बैर नहीं रखना चाहिए। देखो साहब, हम टैक्सी ड्राइवर लोग उन लोगों में से होते हैं जो वक्त आने पर दांत तो क्या, सामने वाले की पूरी बस्ती से निकालकर हाथ में रख देते हैं। बच्चे जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो मिट्टी के घर में रहने वालों से टकराते नहीं। कसम है टैक्सी के धंधे की जिसकी मैं रोटी खाता हूं सेठ, तुम्हारे इन गंदे हाथों में पिंकी तो क्या पिंकी की परछाई तक नहीं आने दूंगा। हाँ मुझे मालूम है तुम अपने चमचों को बुलाओगे, लेकिन एक छोटी बात अपनी खोपड़ी में उतार लो सेठ। सारा दिन इन हाथों से स्टीयरिंग घुमाता हूं, जैक चढ़ाता हूं, टायर बदलता हूं, और जो गाड़ी ज्यादा शोर करे कभी कभी उसका साइलेंसर भी चेंज कर देता हूं। अब तुम शोर कर रहे हो, कहीं इस उम्र में तुम्हारा साइलेंसर चेंज करना पड़ जाए। तुम तो गए ना गधे की, अपने धंधे पे लगे रहो बड़ू। अरे रे रे, अभी अभी तो समझाया था कि ये टैक्सी वाले का हाथ है। ये लो अपनी टैक्सी का भाड़ा। ये लो बारान है, पावली कम है, छुट्टे का बांदा है, चाराना बाकी रह गया। आप लोग सब बेकार हैं, अभी तक हमारी पिंकी का कुछ पता नहीं। हमारी सारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारी कंपनी, हमारे नौकर चाकर सब बेकार हैं। सर आपके लिए कौन है? ओ शट अप विल यू। सर पिंकी मेम साहब के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो सेठ राय बहादुर जी, मुझे आपको आपकी पिंकी के बारे में कुछ बतलाना है। पिंकी? हेलो कौन बोल रहा है? यू समझिए कि मैं आपका एक शुभचिंतक हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको इसलिए टेलीफोन किया है कि जिस तरह से आपकी बेटी नीता को एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था, उसी तरह से आपकी नवासी पिंकी को भी एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज से 18 साल पहले जिस सांप ने मेरी जिंदगी में जहर घोला, मैं उसे दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा। मैं उसका सर कसूल दूंगा, मैं उसका सीना चंडी कर दूंगा गोलियों से, मैं उसका नाम और निशान। हेलो हेलो म
मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस दुनिया का कोना कोना छान मारा है, मगर हर तरफ से बस एक ही जवाब मिला, पिंकी नहीं मिली, पिंकी नहीं मिली, पिंकी नहीं मिली। काश कोई मुझे ये कहता कि पिंकी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं पिंकी मीम साहब को 10 मिनट में ढूंढ के ला सकता हूँ। वो कैसे? बस मुझे ये पता चलना चाहिए वो कहाँ है। अरे बेटी, अरे क्या कर रही है तू, इस तरह पूरी भीग जाएगी। ला ला मुझे दे मटका, मटका मुझे दे। हाँ माँ जी, वैसे तो हम काम करते नहीं है, लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो पूरा करते हैं। अरे क्या तू गिर जाएगी, संभाल के, संभाल के कर। पिंगी क्या हुआ बेटी? माँ जी, हम इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, वो टूट गया, पानी भी गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटिया, कोई बात नहीं। चल चल कपड़े बदल ले, तू कितनी कितनी भीग गई है। चल चल अंदर। क्या पहन लिया तूने? आपकी साड़ी? नहीं बेटी नहीं, ये साड़ी तो विधवाएं पहनती हैं। विधवा? हाँ। वो क्या होता है? जिनके पति मर जाते हैं ना, वो ये साड़ी पहनती हैं। ओह, फिर तो हम ये साड़ी जरूर पहनेंगे, क्योंकि जहाँ नानू ने हमारी शादी तय की है ना, वो आदमी पति बनने से पहले ही मर जाएगा। माँ जी लाइए, आज हम ये कर देते हैं। अरे नहीं बेटी, ये तेरे बस का काम नहीं। क्यों, हमारे बस का काम क्यों नहीं है? आपने कभी हमें करते हुए देखा है? नहीं नहीं। तो फिर? अच्छा चल मुझे चावल दे दे, तू ये कर। क्या? हाँ बिटिया, ये तूने क्या कर दिया? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बिटिया, ये सब तू रहने दे और जा बस्ती में बाहर जाके नाटक देख क्या है। लैला लैला, हाय लैला लैला, पुकारू मैं बन में, अरे लैला प्यारी बसी मोरे मन में, अरे लैला देख आ गया तेरा छैला। मजनू मैं इधर हूँ। मेरी लैला, तू मेरे दिल का चैन है, तू मेरे प्यार का फाउंटेन पेन है, ये मजनू तेरा फैन है, क्या खूबसूरत तेरे नैन है, एक आंख रोम है तो दूसरी स्पेन है। क्या तू मुझसे इतना प्यार करता है? अरे तेरे लिए मैं जान दे दूंगा। क्या तू मुझ पे इतना मरता है? ईमान दे दूंगा। क्या मेरा साथ निभाओगे? अरे बाप की घड़ी की दुकान दे दूंगा। मेरे साथ घर बसाओगे? बाजू वाले का मकान दे दूंगा। एक लिपस्टिक तो दी नहीं जाती। लिपस्टिक? लैला ये कहकर तूने मार दी मेरे दिल पर स्टिक। अरे अरे लिपस्टिक क्या चीज है लैला, तेरे होंठ खुद लाल किले की तरह लालम लाल हैं। अगर तू ईंटों के भट्टे को चूम लेगी तो उसमें से हर ईंट लिपस्टिक बनकर निकलेगी। धका धक धका धक धका धक, देख ये लिपस्टिक निकली। मजनू लैला, क्या तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से फट गए हैं? क्या ये मेरी तलाश में इतने घट गए हैं? अरे कपड़े ही नहीं घट गए हैं, न जाने क्या क्या घट गया है, मेरा दिमाग जगह जगह से फट गया है, लगता है मोहब्बत की दुनिया से मेरा नाम कट गया है। ऐसा न कह मजनू। तो वादा करो कि अपने दिल की टेलीफोन डायरेक्टरी से मेरा नंबर नहीं काटोगी। नहीं मजनू, मैं तुम्हारा नाम नहीं कटने दूंगी, चाहे तुम्हें ही क्यों ना कटना पड़े। कटाई की बात कर रही है?
कसाई की बेटी है क्या? अरे 20वीं सदी के मजनू, मोहब्बत में कुर्बानी बहुत जरूरी है। यही तो हमारे प्यार की मजबूरी है। अरे तो क्यों इतनी दूरी है? तो मेरी खेल पूरी है। अरे जहाँ पना, जहाँ पना, न जाने किस माँ ने तुझे जना। अबे फटीचर, तुझे शर्म नहीं आई? तूने एक बाप की लड़की भगाई? मैंने नहीं भगाई, ये खुद भाग के चली आई। भाग के चली आई बेटी? तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई बेटी? तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई? जहाँ पना, इसके पास भाड़ा नहीं था। हमारी लड़की के पास यहाँ आने के लिए भाड़ा नहीं था? यानी कि शाही खजाने में कड़की? आज से कड़की भगाई जाएगी और लड़की बचाई जाएगी, और ऐसे फटी चराशिकों पर चुंगी लगाई जाएगी और इनकी पुंगी बजाई जाएगी। डैडी प्लीज सेट अप, लैला गेट अप, आई एम फेड अप। जैनी तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारो, मैले हो जाएंगे। चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। लगता है मोहब्बत का जुनून तेरे सर पर चढ़ गया है, तू अपनी हद से बढ़ गया है। सिपाहियों, इस लैला को इस सड़क छाप मजनू से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दो। जावे मुंह क्या देख रहा हो, जुदा कर दो। अरे अरे जालिमो, अरे जालिमो, अरे जालिमो, मेरी लैला को मुझसे जुदा न करो, मेरी लैला को मुझसे जुदा न करो। जल्लाद, पिंकी को अब
इस घर में नहीं रहना चाहिए माँ, शायद इसके दिल में। हाँ बेटे, ये सच है, वो तुझे चाहने लगी है। इसके दिल में चाहत की जो लहर उठी है, एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का तूफान बन जाएगा माँ। मर्द होकर मुसीबतों का सामना करने से घबराता है? नहीं माँ नहीं, मैं मुसीबत से नहीं घबराता, मैं पिंकी की जिंदगी में कोई तूफान लाना नहीं चाहता। हम लोग गरीब हैं माँ, जिस तरह उसे प्यार और चाहत का फर्क नहीं मालूम, उसी तरह वो अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं जानती। और जिस दिन उसे अमीरी और गरीबी का फर्क मालूम हो जाएगा, उस दिन दुनिया के बनाए हुए काले और सफेद रंग की समझ आ जाएगी उसे। तो हम, हमारा प्यार, हमारी चाहत, हमारा सहारा, हमारा सब कुछ दौलत के उन खनकते सिक्कों की झंकार में डूब जाएगा मां। और ये गरीब गोविंदा पिंकी का सहारा बन नहीं पाएगा मां, पिंकी का सहारा नहीं बन पाएगा, पिंकी का सहारा नहीं बन पाएगा। या प्यार करने वाले वक्त आने पर एक दूसरे को सहारा देने के बजाय बेसहारा छोड़ देते हैं। बोलो क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, कौन सी ऐसी तकलीफ दी है हमने तुम्हें? पिंकी तुम नादान हो, बच्ची हो। नहीं नहीं गोविंदा, हम बच्चे नहीं हैं। एक दिन हमारे नानू ने हमें बच्चा कहकर हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, और आज तुम भी हमें बच्चा कहकर हमें घर से निकाल देना चाहते हो। हम सब जान गए हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सब हमसे नफरत करते हो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे गोविंदा, हम यहां से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। जिस घर में हमें प्यार ना मिले, हम उधर क्यों रहें? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर ही जाएं। पिंकी, 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पिंकी, पिंकी, पागल हो गई तुम? तुमने कभी सोचा अगर तुम चली गई तो मेरा क्या हो? पतरा थोड़ा सा अंदर चला गया, सामने की लाइटें फूट गई, बैटरी भी नहीं है, रेडिएटर से पानी निकल रहा है और इंजन तो ऐसा बैठा है लगता है जिंदगी भर नहीं उठेगा। कमाल है, तुम्हारा इंजन आगे है। मैडम ये बिलायती गाड़ी नहीं कि इंजन पीछे होगा, ये टैक्सी है और हिंदुस्तानी गाड़ियों के इंजन आगे ही होते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ 8-10 दिन का खाना नहीं मिलेगा बस। नो प्रॉब्लम, मैं तो 4-5 दिन डाइटिंग भी कर सकती हूँ। और मेरी माँ क्या करेगी? अगर ये टैक्सी नहीं चली तो घर में खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा वो जो भगवान जी है ना, भगवान जी कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, 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 भगवान का। भगवान दास, 50,000 रुपये? लेकिन क्यों? अरे भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? चलो जल्दी पैसे निकालो अभी। नहीं नहीं, फोन दो मेरे को। अरे आप क्या करेगी फोन को? हाँ, लीजिए, हमको पैसे नहीं दोगे ना? नहीं, हम देखते हैं तुम हमको पैसे कैसे नहीं देते। हम नहीं दे सकते। हेलो, हाँ नानू, हम पिंकी बोल रहे हैं नानू। हाँ नानू, हम ये भगवान दास की दुकान से बोल रहे हैं नानू। नानू देखिए, नहीं हमें पैसे नहीं दे रहा ना।
अरे आप क्या कर रही हैं? मुझे दीजिए फोन, मैं बात करता हूँ ना। फोन नहीं, पहले हमें पैसे दो फिर हम तुम्हें फोन देंगे। नहीं दे सकते। हेलो, हाँ नानू। अच्छा आप इसे नौकरी से निकाल दोगे? नहीं नहीं नहीं, नौकरी से मत निकालिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, नौकरी से मत निकालिए। हाँ नानू, वैसे एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से नौकरी और पैसे निकालो। हाँ है, और भी देता हूँ। हाँ नानू, पैसे तो वो दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, मैं ले लूंगी। हाँ नानू, आप बात करिए नानू से। हाँ लाइए। हाँ नानू, आप बात कीजिए, हमारा काम तो हो गया नानू। ओके, अच्छे अच्छे से बात करेंगे। हेलो सेठ जी, सेठानी है यहाँ तो? ढेर सारे रुपए कहाँ से उठा के ले आई? अरे माँ जी, हमने कोई चोरी या डकैती थोड़ी ना की है, ये तो हम अपनी नानो की दुकान से लाए हैं। बेटी, ये जो हमारे घर में आए हैं ना, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बेटी, तुम्हारे बाप पर किए गए जुल्मों की कहानी इन तस्वीरों के पीछे है। कभी मिलवाया नहीं। बेटी, मैंने जब जब तुमसे मिलना चाहा, तुम्हारे नानू ने मुझे नौकरों से धक्के दिलवा कर, लाठियों से लहूलुहान कर मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं भूखा प्यासा सड़कों पे तड़पता रहा, भटकता रहा, और तुम्हारी मां ने मेरी जुदाई के गम में जहर खा लिया। बेटी, तुम्हारी मां मर गई। डैडी, हमें मालूम नहीं था कि हमारे नानू इतने बुरे आदमी हैं। बेटी, अगर नानू को पता चल गया कि तुमने तुमने अपना घर यहां बसा लिया है, तो बेटी वो तुम्हारे गोविंदा के साथ वही जुल्म करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ किए थे। बेटी, वो तुम्हारे गोविंदा को तुमसे उसी तरह अलग कर देंगे जिस तरह से उन्होंने मुझे तुम्हारी मां से अलग कर दिया था। तो हम भी गोविंदा के लिए जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। अब 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 बेटी, मैं चलता हूँ, हफ्ते में दो चार बार मिलने आ जाऊंगा। अच्छा बेटी, ये अंदर कैसे आया था? वो पिंकी के पिताजी हैं। के बारे में पूछ रहा हूं पिंकी।